इंस्टाग्राम पर बढ़ रहे फेक अकाउंट सरदर्द बन चुके हैं। रिपोर्ट बताते हैं कि आज के टाइम पे 90 मिलियन से भी ज्यादा फेक अकाउंट्स इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। अब सवाल ये बनता है कि हम आखिर इन फेक अकाउंट्स को बैन कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आमतौर पर लोग फेक अकाउंट प्रैंक करने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए बनाते हैं, और वो फायदा किसी भी प्रकार का हो सकता है। बट परेशानी तो तब आती है जब फेक अकाउंट बनाने वाला इंसान किसी और की आइडेंटिटी यानी किसी और की पहचान और फोटोज का इस्तेमाल करता है फेक अकाउंट बनाने के लिए। तब वह इंसान तो जानता है कि ये एक फेक अकाउंट है, लेकिन सभी को नहीं पता होता, जिससे आगे चल के जिसके नाम का फेक अकाउंट बना होता है या फिर जिसका फोटो यूज हुआ होता है फेक अकाउंट में, उसको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इन फेक अकाउंट्स को बैन कैसे करें। तो मैं बता दूं, इन फेक अकाउंट्स को बैन कराने के दो तरीके हैं, दूसरा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। उससे पहले आप ये जान लो कि पहला तरीका क्या है। पहला तरीका है ट्रेडिशनल रिपोर्ट। आप इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट कर सकते हो अलग अलग तरीकों की मदद से, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये सब ट्राई कर लिया है और आपका कोई भी फायदा नहीं हुआ है, तो आप दूसरे ट्रिक के बारे में जानिए, ये आपको 100% वर्क करके देगा। और इस तरीके को कहते हैं रिपोर्ट एट साइबर क्राइम। इस तरीके में आपको फेक अकाउंट के बारे में साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करना होगा, जिससे कि वो फेक अकाउंट बंद हो सके। अगर आपको इस बारे में फुल फ्लेज वीडियो चाहिए कि आखिर कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम के ऊपर, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जल्दी इसके रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि पूरब झा आज के टाइम पे इतना ज्यादा वायरल कैसे है, तो वीडियो सामने आ रही होगी, वहां पर क्लिक करके देखिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा।